आज के खूबसूरत दिन फिर एक बार प्रभु वचन के मनन के लिए मैं फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए आज क्या बोध करता है तो हम सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसमें 8 अध्याय और वचन नंबर 6, 7 और 8। कुछ इस तरह से वहां पर लिखा है, तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। मैं आज आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ प्रभु वचनों के साथ कि परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं तो प्रभु हमारा ख्याल रखते। हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या रखा है परमेश्वर के पास या प्रभु के पीछे चलने से। दुनिया की एक कहावत है, क्या परमेश्वर हमें बैठकर खाना देगा, काम हम ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ, बहुत बार लोगों के पास जो ताकत शक्ति है, जो ज्ञान बुद्धि है, जो रोज उठकर अपने काम को जाते हैं, ये सब प्रभु का अनुग्रह। परमेश्वर ने उन्हें लेने के लिए फ्री में ये हवा दी है जो हमारे फेफड़ों में भरती है। परमेश्वर ने ये सन, ये जो सूरज है उसकी रोशनी हमें दी है। परमेश्वर ने हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी है। अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपका चारों ओर से ख्याल रखें। यहाँ पर जो लोग यीशु के पीछे उसकी बातें सुनने के लिए आए थे, प्रभु यीशु को उनके ऊपर तरस आया क्योंकि वो भूखे थे। प्रभु को पता है कि आप कौन सी स्थिति में हैं, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा ना सोचें कि प्रभु आपको आपका ख्याल नहीं करते, उसे पता है कि आपके कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। तो जब आप भूखे हैं, प्यासे हैं, जब आप ज़रूरतमंद हैं, प्रभु आपको याद करेंगे और सही समय पर आपका पुरोठा करेंगे। इसलिए प्रभु के पीछे चलने के लिए कभी भी आप हिचकिचाएगा तो विश्वास के साथ उसका पीछा करिए, वो आपका ख्याल रखते हैं। और वचन ऐसा भी कहता है कि उसके ऊपर विश्वास रखिए क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करे।